इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि आप रेडमी 9 मोबाइल फ़ोन में साइलेंट मोड आप कैसे ऑन कर सकते हैं, मतलब रेडमी 9 मोबाइल को आप साइलेंट कैसे कर सकते हैं और आप साइलेंट मोड कैसे हटा सकते हैं, इससे क्या होता है। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। इसके लिए आपको जाना है रेडमी 9 मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में। सेटिंग में जाकर यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो नीचे आने पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, देखिए साउंड एंड वाइब्रेशन का, इस पर क्लिक करेंगे और इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा साइलेंट एंड डीएनडी का। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर रेगुलर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ आपको साइलेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ये साइलेंट हो जाएगा। साइलेंट हो जाने से ये होगा कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन पर कोई भी कॉल मैसेज नोटिफिकेशन आएगा तो आपको दोस्तों ना तो रिंगटोन सुनाई देगा और ना ही नोटिफिकेशन टोन सुनाई देगा, ना ही मैसेज टोन सुनाई देगा। तो इस तरीके से आप साइलेंट कर सकते हैं। और अगर आपको साइलेंट मोड से हटाना है तब आप यहां देंगे रेगुलर को सिलेक्ट कर, तो ये साइलेंट मोड से हट जाएगा। इस तरीके से आप रेडमी 9 मोबाइल फ़ोन को आप साइलेंट कर सकते हैं। या देखिए अगर आपको शॉर्टकट तरीके से करना है तो आप नोटिफिकेशन पैनल नीचे खींचेंगे, आपको यहाँ म्यूट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो जब आप यहाँ पर म्यूट भी कर देंगे तो भी आपका मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड में चला जाएगा। और फिर अनम्यूट करना है, मतलब साइलेंट मोड से हटाना है, तो भी आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ये हट जाएगा। इस तरीके से आप जो है रेडमी 9 मोबाइल फ़ोन को आप साइलेंट या म्यूट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।